सबसे पहले तो बिल्कुल खुश हूँ मैं, क्योंकि 2 साल से लगातार मैं स्ट्रगल कर रही थी जीत के लिए, क्योंकि लगातार 2 साल हो गए थे मुझे अपनी टीम में जगह बनाए हुए। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल्स थी, बस ये था कि अब भी कैसे भी करके मुझे जीतना है, और मैं जीती और उस ट्रायल से मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर उसके बाद रैंकिंग सीरीज़ में मेरा गोल्ड आया, तो ये जो कॉन्फिडेंस पिछले 2 साल से थोड़ा कम लग रहा था या ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि बैक टू बैक हार मिलने के बाद अभी वापस से लग रहा है, और बिल्कुल दोनों टूर्नामेंट ने मेरी बिल्कुल मदद की मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में। 2 साल का जो ये आपने खुद ही बताया कि एक हार्ट ब्रेक था, यू नो यू लॉस्ट, सो व्हाट होप्स डू यू हैव फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 एंड अबाउट योर प्रिपरेशंस? हाँ जी, मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और बिल्कुल उम्मीद पूरा है कि मैं गोल्ड जीत के लेके आऊँ, क्योंकि मेरा तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स है, पहले मेरा सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है, तो अब की बार पूरी उम्मीद है या पूरी मैं कोशिश करूँगी कि मैं गोल्ड जीत के लेके आऊँ। ग्रेट साक्षी, यू रिप्रेजेंटेड कलर्स दिल्ली सुल्तान्स इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द प्रो रेसलिंग लीग हेल्ड इन जनवरी 2017. व्हाट्स योर व्यू ऑन दीज स्पोर्ट्स लीग्स? डू दे एक्चुअली फिल इन एज अ कैटलिस्ट फॉर अ न्यू डॉन इन स्पोर्ट्स? बिल्कुल, जो है लीग हमारी जब होती थी तो काफ़ी मतलब अच्छा था, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज से वर्ल्ड चैंपियंस ओलंपिक मेडलिस्ट आते थे, हम उनके साथ लड़ते थे, ट्रेनिंग करते थे, तो काफ़ी बिल्कुल पता चलता था, क्योंकि हमारी मिट्टी में, हमारे देश में आके हमारे साथ ट्रेनिंग करना और मैचेस होते थे, तो उनसे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता था, क्योंकि अपने ही देश में हम किसी वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ लड़ रहे हैं और हमारी खुद की ऑडियंस, तो बिल्कुल काफ़ी जो है यूथ है जो नए रेसलर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था कि हाँ हम भी अच्छा करेंगे और हमारा भी लीग में पार्टिसिपेट करने को मौका मिले। ग्रेट, मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ एडलिन ग्रे, ग्रेट ग्रेट अमेरिकन रेसलर वॉज इन योर टीम, सो एंड यू लर्न अ लॉट वॉचिंग हर, वॉट वॉज योर एक्सपीरियंस? ऑल्सो योर हस्बेंड प्लेड इन द लीग टू एज वी नो, यू गाइड प्रैक्टिस टुगेदर, वॉज इट ऑल गुड? हाउ वॉज द एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो सबसे पहली लीग थी और एडलाइन ग्रे मेरी टीम की कैप्टन भी थी और हम चैंपियन भी बने थे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, एडलाइन से बहुत कुछ सीखने को मिला, आज भी मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड है। एक इंस्पिरेशनल मैसेज आप हमारे अमेच्योर्स को दें जो भविष्य में आपके जैसा बनना चाहती हैं? मैं बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप हासिल करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बिल्कुल हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और पूरी लगन से आप अगर अपना काम 100% करोगे तो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो जो भी आपने सोचा है, और पेरेंट्स तो सपोर्ट करते ही हैं, और बिल्कुल बस यही कहना चाहूँगी कि अपना बेस्ट करो और सच्ची लगन और मेहनत से करते रहोगे तो आपको श्योर आपका गोल जो है मिल जाएगा। रिसेंटली हम मिले थे कुलदीप मलिक जी से, और उन्होंने एक मोमेंट को डिस्क्राइब किया था कि जब आप मेडल जीते थी तो उन्होंने आपको कंधों पर बिठा कर और पूरा एक चक्कर लगवाया था उस स्टेडियम का, आप उस मेमोरी को कैसे चेरिश करते हो? बिल्कुल, वो अभी तक की मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मोमेंट था, ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद कुलदीप सर ने मेरे को बिल्कुल कंधे में बिठा के और मैट के सर्कल किया था, तो मेरा सपना था ये कि मैं ओलंपिक मेडल जीतूँ और अपने तिरंगे को मैं मैट पे लहराऊं और पोडियम पे लहराऊं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अभी तक का बेस्ट था।